चिल्ड्रेन, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ दो से संबंधित मौखिक लिखित और ये भाषा कौशल सब करा दिया था। आज मैं आप लोगों को पाठ तीन हाथी और अंधे के बारे में जानकारी कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में चार अंधे रहते थे। पाठ का आपका नाम है हाथी और अंधे। ये आपके पाठ का नाम है हाथी और अंधे। तो एक गांव है, उसमें चार अंधे रहते थे और वे चारों पक्के दोस्त थे, पक्के मित्र थे। वे खा पी कर एक पेड़ के नीचे उसकी छाया, पेड़ की छाया में बैठ जाते थे और दिन भर अपने बीती दिनों की बात करते थे। शाम होते ही वे अपने अपने घर लौट जाते थे। उन चारों की आदत बहुत अच्छी थी। वे सबसे प्रेम से और मीठी आवाज में बातें करते थे। तो ये अच्छी आदत होने की वजह से और मीठी वाणी तथा सबसे प्रेम होने के चलते सभी लोग उनका आदर करते थे। उन चारों अंधों का सभी लोग आदर करते थे और लोग उन्हें परेशान नहीं करते थे, क्योंकि वे अंधे जो चार थे वे किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करते थे, इसलिए लोग भी उन्हें परेशान नहीं करते थे। एक दिन की बात है, उस गांव में एक हाथी कुछ लोग लेकर के आए। तो चूंकि ये अंधे थे इसलिए इनको हाथी दिखलाई नहीं देती थी, तो इनके लिए एक तरह से आश्चर्य की बात ही कही जाएगी, आश्चर्य की चीजें ही। तो एक व्यक्ति जो है, कुछ लोग जो है एक हाथी को लेकर आए। गांव में शोर मच गया। क्या कि हाथी आया। हाथी को देखने के लिए बच्चे बूढ़े और जवान सब लोग इकट्ठा हो गए। गांव में हाथी के आने की खबर उन चार अंधों तक भी पहुंची, यानी उन लोगों को भी मालूम हुई। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास आंखें नहीं थी। उनके मन में भी हाथी को देखने की इच्छा हुई। एक अंधा बोला, भाई हम हाथी को देख तो नहीं सकते, लेकिन छूकर अनुभव या महसूस कर सकते हैं। वे चारों हाथी के पास गए। चारों ने हाथी को छूकर देखा और महसूस किया। पहले अंधे ने हाथी की पूंछ को, दूसरे ने हाथी के पांव को, तीसरे ने हाथी के पेट को और चौथे ने हाथी की सूंड को स्पर्श किया, छुआ। इस तरह से फिर वे आपस में बातें करने लगे। क्या करने लगे? पहला अंधा बोल रहा है कि हाथी झाड़ू जैसा होता है। क्यों? क्योंकि हाथी को पहला जो अंधा था वह केवल पूंछ ही छुआ था, इसलिए उसने कहा कि हाथी लगता है झाड़ू के समान होता है। तो दूसरा अंधा जो है वह बोलता है, नहीं, हाथी खंभे जैसा होता है। क्यों? क्योंकि दूसरा अंधा व्यक्ति जो था उसके पांव को छुआ था, इसलिए उसने सोचा कि यह जो हाथी है वह खंभे के समान होती है। और तीसरा अंधा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं, हाथी बड़े ढोल जैसा होता है, क्योंकि तीसरे जो अंधा व्यक्ति था उसने हाथी के पेट को छुआ था, इसलिए उसने यह समझा कि यह बहुत बड़ा ढोल है। इसलिए उसने कहा कि नहीं नहीं, हाथी बड़े ढोल जैसा होता है। चौथा अंधा बोला, तुम सब बिल्कुल गलत कह रहे हो, हाथी तो मोटे सांप जैसा होता है। क्यों? क्योंकि चौथा व्यक्ति हाथी के सूंड को ही छुआ था, इसलिए उसको ऐसा अनुभव हुआ कि हाथी एक बहुत बड़े मोटे सांप जैसा होता है। जब चारों आपस में झगड़ने लगे तो कोई दूसरे की बात मानने को भी तैयार नहीं था। एक आदमी उन चारों की बातें सुन रहा था। वह उनके पास आया और बोला, भाइयों मेरी बात सुनो, आपस में जो भी तुम लोग बातें कर रहे हो और लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो तुम लोग मेरी बात सुनो। आप सब लोग ठीक बात कर रहे हैं,
तीसरे आदमी ने कहा कि आप सब लोग ठीक बात कर रहे हैं, आपने हाथी के जिस हिस्से को छुआ उसे ही पूरा हाथी समझ बैठा, यानी जिस हिस्से को आप चारों अंधे दोस्त छुए हैं तो आप लोग समझ रहे हैं कि यह हाथी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पूरा हाथी तो बहुत बड़ा है। तीसरे व्यक्ति ने कहा, यानी जो उनके पास आया और बोला कि भाई मेरी बात सुनो, हाथी बहुत बड़ा होता है, तब उनकी समझ में बात आई कि जिसे वे सच समझ रहे हैं वह सच का एक हिस्सा है, पूरा सच बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग भी थोड़ी सी बात को सुन करके उस बात की सत्यता को समझ लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब तक पूरी जानकारी न हो किसी चीज़ की, किसी बात की, समस्या की, तब तक हमें अल्प ज्ञान से या अल्प बात समझने से ही पूरा नहीं समझ लेना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि हाथी और अंधे आपस में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आप लोगों को भी इसी तरह बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरी समस्या को समझने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। तो आज बच्चों इतना ही रहने दें, कल मैं आप लोगों को इस पाठ से संबंधित मौखिक कौशल और लिखित कौशल कराऊंगा। तब तक के लिए आज इतना ही रहने दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।